उनकी देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये गालिब का शेर है और मेरी आज की इस बात से बहुत ही मिलता जुलता है। हंसी, रौनक, खुश रहना। हंसी पढ़ू, हरखू, मलकू, हंसते हंसते रो पड़ना, किसी की जिंदगी का अब्रक बन के हंस पड़ना, आपकी वजह से हंसना, यानी कोई आपकी वजह से इतना खुश है, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि दो लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, एक वो इंसान जो कभी नहीं हंसता और एक दूसरा जो बेवजह हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। एवं कहवानू मन थी जाए कि बहु हंसीस नहीं तारी बोखली पड़ी जैसे। हाय, मैं हूँ आरजे जिया, वही आपकी ख्यालों वाली लड़की। और आज की मेरी ख्यालों वाली खिड़की का टॉपिक है, आपको खूबसूरत बनना है? अगर हाँ तो बहुत ही आसान है। अच्छा बताइए, हम इंसान और जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, हमारे सर पे सिंग नहीं, उनके सर पे सिंग है, और ये है उनकी स्किन का कलर, वो है और ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, एक बड़ा सिंपल सा फर्क है हम में और एनिमल में कि एनिमल कभी हंस नहीं सकते, क्योंकि ये हसीन सौभाग्य सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया है। कुछ लोग इस हसीन इत्तेफाक का ओवरडोज कर लेते हैं और कुछ लोग मोड़ा मा मकबरिया चला हंसने थोड़ू, यानी बहुत तकलीफ होती है उनको हंसने में। ऐसे लोग भी हमारे आसपास है ना, ऐसे दो टाइप के लोग। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंसान के चेहरे पे उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का बहुत असर पड़ता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के या उनकी एंट्री से ही अचानक से मस्त वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी ट्राई किया है, अपने बिहेवियर को स्टडी किया है? आई मीन, हैव यू एवर चेक कि आपका प्रभाव आपके आसपास के लोगों के ऊपर कैसा होता है? प्लीज मुझे पागल मत कहना, पर सचमुच ये टेक्निक्स होती हैं। जैसे जब आप ऑफिस या घर में आपकी एंट्री होती है तो आपके साथ रहने वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि लोग सचमुच के आपके आने से खुश है या आपकी एंट्री से उनको कोई फर्क पड़ता है। कुछ लोगों की एंट्री घर में घुसते ही जैसे शाकाल के जैसी होती है, एकदम सन्नाटा, जैसे कर्फ्यू अभी अभी अनाउंस हुआ हो। बीवी अचानक रसोई करने लगती है, बच्चे मस्ती करते करते पढ़ने लगते हैं, ऐसा लगता है आपको कि क्या हो गया। ऐसे लोगों के एनर्जीज बहुत नेगेटिव और बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। आपने सुना है ना वो बात, अभी उसको छेड़ना मत, उसका मूड बहुत खराब है। बॉस के साथ ऐसा ही होता है, जब हम जाते हैं छुट्टी मांगने के लिए तो हम देखते हैं ना कि बॉस का मूड अच्छा होना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्टडीज में स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट है कि अगर आपको आपकी टीम का लीडर बनना है तो आप में ये खूबी होनी बहुत जरूरी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आप चीजों को कैसे लाइटली लेते हैं, क्योंकि आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके मूड के ऊपर। सो, कई बार ऐसा होता है ना कि जितना आप टेंशन कम देते हो रिजल्ट उतना जल्दी और इतना ज्यादा मिलता है। बच्चों को अगर आप धाक धमका के या फिर आंखें दिखा के पढ़ाओगे, मैथ्स में कभी मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने खेलते खेलते देख लिया, सम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छी फोटो लेने के लिए लोग जितनी मेहनत करते हैं ना खुश रहने के लिए, उससे आधे भी अगर रियल लाइफ में करेंगे तो सचमुच खुश रह पाएंगे। इंसान को जैसे ही पता चलता है कि कैमरा लेंस उसकी तरफ है, एक्टिंग शुरू, क्योंकि इंसान जानता है कि लोग फोटो देखेंगे। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि फोटो तो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट लोग आपको देख रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अच्छे सेल्फी के जमाने में जी रहे हैं, कम से कम जितनी बार सेल्फी लेंगे उतनी बार खुश रह पाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सेल्फी के बहाने खुश तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्फी की आदत पड़ी है, रियल सेल्फ में खुश रहने की नहीं है ना। लोगों कंजूस थे गया छे, हंसवा माटे बका मने एवं लागे छे। वो शायद लोग कहते हैं ना, चेहरा तो दिल का आईना होता है। आपको पता है ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जिनकी आंखें भी हमेशा मुस्कुराती हैं, उनको देख के भी आपको मजा आता है कि ये हमेशा हंसती ही रहे थे। आप उनको कभी डिप्रेस नहीं देख सकते, हमेशा आप देखना वो हंसते नजर आएंगे। क्या उनके लिए भगवान ने अलग मिट्टी बनाई है? ना, वो चीजों को लाइटली लेते हैं। उनको गौर से देखो, वो अपनी उम्र से हमेशा कम नजर आएंगे, अगर 30 के हैं तो 25 के, और 20 के हैं तो 15 के नजर आएंगे, क्योंकि उनको अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा जिंदगी को मजाक में लेते हैं, वो सीरियस नहीं है अबाउट लाइफ, वो सीरियस है, लेकिन हमेशा हर चीज में सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वरना घर की जगह हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कभी कभी बच्चों जैसे हरकतें आपको बहुत अंदर से खुश रख देती है, मेहनत नहीं लगती, घर वाले भी उसी के साथ रहते हैं, भले पागल कहेंगे लेकिन हंसने के लिए हमेशा हमें मिस करेंगे। आप उस फ्रेंड्स को हमेशा मिस करोगे जो हमेशा आपके ग्रुप को लाइटली एटमोसफियर में फील कराता है, पीजेस मारता है, जोक्स मारता है, लेकिन सबको एकदम खुश रखता है। क्योंकि हंसते रहने से, मैं सच बताऊं, आप जैसे हो ना आप वैसे खिलते हो, रिंकल्स कम आते हैं, फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती,
और आपके फील गुड हार्मोन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन एकदम चंगा। इंसान को खुश रहने के लिए किसी गार्डन के लाफ्टर क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, बागीचा तो दिल के अंदर होना चाहिए। ऐसे जियो कि तुम्हारे घर को लोग पावर हाउस माने और जब चाहे तुम्हारे पास आके अपने आप को रिचार्ज कर सके। हंसता हुआ इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता, ऐसा मैं मानती हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी मुस्कुराहट, मजाक में की हुई बात, जो दिल से निकली हुई मुस्कुराहट हो, वो अच्छे से अच्छी बीमारी बड़ी से बड़ी दवा का काम करती है। ट्राई करके देखो, आप लखनऊ में हो ना हो, लेकिन जरूर मुस्कुराइए, क्योंकि आप जिया के साथ हो, आपकी वजह से किसी की जिंदगी में हंसी का अब्रक बना रहे।